नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्मटेनमेंट पर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के परिवार के बारे में। ऐसा परिवार जिसमें बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर से लेकर एक्टर और सोशल मीडिया सेंसेशन तक शामिल है। ये परिवार महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से भी ताल्लुक रखता है। तो चलिए बात करते हैं आमिर खान के परिवार की। बॉलीवुड में इस परिवार की नींव रखी थी मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन खान ने, जो आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन खान के बड़े भाई हैं। नासिर हुसैन का जन्म 16 नवंबर 1926 को भोपाल में हुआ था। नासिर साहब को लिखने का शौक था तो वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए और साल 1948 में बतौर राइटर फिल्मिस्तान के साथ जुड़ गए और कमर जलालाबादी के साथ काम करने लगे। राइटर के रूप में उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में 1953 में आई अनारकली, 1955 में आई मुनीम जी और 1957 में आई पेइंग गेस्ट शामिल है। इसके बाद शशाधर मुखर्जी ने नासिर हुसैन को फिल्म तुमसा नहीं देखा में डायरेक्शन करने का मौका दिया, जिसके हीरो थे शम्मी कपूर। इसके बाद नासिर हुसैन ने बतौर डायरेक्टर दिल दे के देखो, कारवां और यादों की बारात जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। बाद में नासिर साहब ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम था नासिर हुसैन फिल्म्स। नासिर हुसैन की शादी आयशा खान से हुई। इनकी दो संतानें हैं, बेटा मंसूर खान और बेटी नुजहत खान। 13 मार्च 2002 को नासिर हुसैन की मृत्यु हो गई। नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान भी बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने। इन्होंने कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्में बनाई। इनकी शादी हुई टीना खान से। इनकी भी दो संतानें हैं, बेटी जायन और बेटा पाब्लो। नासिर हुसैन की बेटी नुजहत फिल्मों से दूर रही, लेकिन उनका बेटा यानी कि नासिर हुसैन के नाती इमरान खान फिल्मों के एक सफल एक्टर हैं। अब बात करते हैं नासिर हुसैन के छोटे भाई ताहिर हुसैन की। आमिर खान इन्हीं के बेटे हैं। ताहिर का जन्म 19 सितंबर 1938 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहबाद कस्बे में हुआ था। बड़े भाई के फिल्मी दुनिया में सफल होने के बाद ताहिर ने भी बॉलीवुड में कदम रखा और फिल्म तीसरी मंजिल में बतौर क्रू मेंबर शुरुआत की। बाद में उन्होंने अनामिका, हम है राही प्यार के और तुम मेरे हो जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस की। ताहिर की शादी हुई जीनत हुसैन से और उनकी चार संतानें हुई, दो बेटे आमिर खान और फैजल खान और दो बेटियां फरहत खान और निकाहत खान। 2 फरवरी साल 2010 को ताहिर हुसैन का निधन हो गया। फैजल खान बतौर एक्टर कई फिल्मों में किस्मत आजमा चुके हैं लेकिन सफल नहीं हुए, जबकि निकाहत ने फिल्मों में प्रोड्यूसर के रूप में काम किया है। अब बात करते हैं आमिर खान और इनके परिवार की। आमिर का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ। आमिर खान की शुरुआती पढ़ाई जेबी पैकेट स्कूल से हुई, जबकि उन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई नारसी मूंजी कॉलेज से पूरी की। आमिर ने सिर्फ 12वीं तक की ही पढ़ाई की है। आमिर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1973 में आई फिल्म यादों की बारात में काम किया और फिर 1989 में बतौर लीड एक्टर कयामत से कयामत तक में काम किया। हालांकि इससे पहले भी वो साल 1985 में आई फिल्म होली में नजर आ चुके थे। फिल्मी करियर से इतर अगर उनके परिवार के बारे में बात करें तो आमिर ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता है, जिनसे उनकी शादी साल 1986 में फिल्मों में आने से पहले हो चुकी थी। बाद में साल 2002 में उन दोनों ने तलाक ले लिया। आमिर और रीना के दो बच्चे बेटा जुनैद खान और बेटी इरा खान हैं। रीना से तलाक लेने के बाद साल 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा आजाद राव खान है। आमिर की दूसरी पत्नी किरण राव भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने लगान, मानसून वेडिंग, साथिया और स्वदेश जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। साथ ही साल 2011 में उन्होंने फिल्म धोबी घाट को निर्देशित भी किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। वो आमिर खान की पत्नी किरण राव की कजिन है। इसके अलावा टीवी और फिल्म अभिनेता राव जोशी आमिर खान की चचेरी बहन के पूर्व पति और इमरान खान के सौतेले पिता हैं। आमिर खान के बुआ के बेटे तारिक खान भी जख्मी और हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। आमिर खान की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आजाद और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से भी जुड़ी हुई हैं। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक मौलाना अबुल कलाम आजाद आमिर की माँ के दादाजी थे, यानी आमिर अबुल कलाम आजाद के परनाती हैं। आजाद साहब स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा आमिर
पिता की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से भी जुड़े हुए हैं। जाकिर हुसैन 7 भाइयों में से दूसरे नंबर के थे और उन्हीं में से एक भाई की फैमिली के वंशज आमिर खान हैं। तो ये थी जानकारी आमिर खान के परिवार की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोस देखने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।